जैसा कि मैंने कहा, मेरा नाम वसीम जाफरी है, मैं इस साल का सदर हूँ एम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलुमनाई एसोसिएशन का। हर साल हम लोग दो फंक्शन करते हैं, एक को मशारे का होता है जो हम होने जा रहा है, और एक जो है वो म्यूजिकल प्रोग्राम होता है। इससे जो पैसा रकम बचती है वो हम लोग अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में जो बच्चे लेस फॉर्चुनेट हैं उनको हम लोग स्कॉलरशिप देते हैं। हम लोगों ने स्टार्ट किया था 30 लड़कों से स्कॉलरशिप देना, लास्ट ईयर हम लोगों ने 230 को दिया, इंशाल्लाह इस साल हम लोग करीब 2500 लड़कों को देंगे। ये स्कॉलरशिप 3000 से 5000 रुपये का, ये स्कॉलरशिप 3000 से 5000 तक दी जाती है। इसमें कोई कंडीशन है, सिर्फ दो ही कंडीशन है कि आपके फाइनेंशियल सिचुएशन ज़रा ख़राब हो और आप गुड स्टूडेंट, कोई रिलीजन या कास्ट या जेंडर या प्रोफेशनल कोई कंसिडरेशन नहीं, सिर्फ दो ही कंसिडरेशन है, आप एक अच्छे स्टूडेंट हैं और आप माली हालत बेहतर नहीं है, बस। शुक्रिया, वेलकम ऑल ऑफ यू, आई होप यू एंजॉय द शो, थैंक यू वेरी मच। मैं आप गुनाह साहब के हवाले कोडिंग देता हूँ, ये जो है निजामत करेंगे। ठीक है, अलीगढ़ अलुमनाई मिशिगन के मुशायरे जो हैं हेलो अबारी है वहाँ, वो भी मैं थोड़े देर पहले यूसी साहब को देख रहा था, उन्होंने इसी तरह कहा कि पीछे वाली रो को आवाज़ आ रही है या और वॉल्यूम कम करें। अलीगढ़ अलुमनाई के मुशायरे देखें, पिछले कोई 13वां मुशायरा है और 12-13 साल से मतलब माशाल्लाह से ये मुशायरे चल रहे हैं, और मैं भी कोई 10 साल से इनसे वाबस्ता हूँ ऑलमोस्ट, अगर किसी साल नहीं भी आ सकूँ तो शरीक तो रहता ही हूँ ना, मुझे सब पता चलता रहता है, इतलाक मिलती रहती है जमीन साहब से। और आज का मुशायरा तो बहुत ही अहम है कम अज़ कम मेरे लिए, कि पहली दफ़ा मुझे ये आधे हिस्से की जो है निज़ामत सौंपी गई है, किसी मुशायरे की निज़ामत का ये तकरीबन मेरा पहला मौका है। इससे पहले मैंने एक दो नशस्तों में टोरंटो में की है किसी के घर पे, लेकिन पहली दफ़ा जो है, तो बड़ी भारी जिम्मेदारी है, और इस जिम्मेदारी में मेरे साथ साथ आप लोग पूरी तरह से शरीक हैं, ये ख्याल रखिएगा। तो देखिए, सामाइन की अहमियत के बारे में जो है ना, मुनव्वर राना साहब ने एक दफ़ा कहा था, और ये बात उन्होंने नॉर्थ अमेरिका में नहीं कही थी, ये बात उन्होंने इंडिया में कही थी। उन्होंने कहा था कि अगर किसी शायर को पैसा कमाना है तो टीम बनाए और ढोल चला जाए, लेकिन अगर किसी को शेर सुनाने हैं तो वो नॉर्थ अमेरिका है, क्योंकि शेर सुनने वाले नॉर्थ अमेरिका में मिलते हैं। कोशिश कीजिएगा कि ये बात आप आखिर तक याद रखें। तो मेरे ख्याल में मैं बहुत ही अपने इस मुशायरे की सदारत के लिए हमारे बहुत ही मोहतरम और बुजुर्ग जनाब प्रोफेसर मुनीबुर रहमान साहब के साथ न्याय इंतहाई इज्जत के साथ उनसे इतमास करता हूँ कि वो स्टेज पर हमारे मेहमान शोरा भी जो इंडिया, पाकिस्तान और कनाडा से तशरीफ़ लाए हैं, मैं उनसे भी दरख्वास्त करता हूँ कि वो लोग भी स्टेज पर आ जाएं। जनाब अब्बास ताबिश साहब लाहौर पाकिस्तान से, सरफराज शाहिद साहब, नुसरत मेहंदी साहिबा, अमरीन नसीब अमरीन साहिबा,
आइए इस मुशायरे का स्टार्ट करते हैं सुमित के साथ, इंशाल्लाह ये भी एक तारीखी मुशायरा साबित होगा। इस मुशायरे का मैं शेर के साथ करता हूँ, ये शेर बीमार अली शेख साहब का शेर है कि मुशायरे में पढ़ो शौक से बदल बीमार, मुशायरे में पढ़ो शौक से बदल बीमार के मुस्तैद है सुखन संज मरहबा के लिए। तो रिवायत के मुताबिक मैं अपने कलाम से शुरू करता हूँ। देखिए ये मुशायरे जो है ना मेरे लिए एक एकेडमी का दर्जा रखते हैं। मैंने बहुत अपने अवाइल शायरी के दौर में या शायरी शुरू की, आप लोगों के साथ पढ़ता रहा और मैं बहुत माजरत चाहता हूँ, मैं एक साहब को बुलाना भूल गया, टोरंटो से तशरीफ लाए बहुत ही मोजत अशफाक हुसैन साहब। कर रहा था कि मैंने जो कुछ सीखा है मुशायरों से सीखा है और जो कुछ भी आज मैं थोड़ा बहुत टूटा फूटा लिख लेता हूँ, इसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है अलीगढ़ मुन्नाए के मुशायरों का। मैं इब्तिदा करता हूँ एक मतले से कि तुम क्या जानो उन आँखों पर क्यों कर अख्तर मरता है, तुम क्या जानो उन आँखों पर क्यों कर अख्तर मरता है, उनकी गहराई के आगे दरिया पानी भरता है, उनकी गहराई के आगे दरिया पानी भरता है। और ये अभी तो सरफराज साहब के साथ हम घूम रहे थे, कुछ कॉलेज का जिक्र हो रहा था कॉलेज के जमाने का, तो उसमें भी चार लाइनें सुन ले, इसके तक उन्होंने कॉलेज की जिंदगी। फेल हर इम्तिहान में होते थे, फेल हर इम्तिहान में होते थे, वक्त उसकी जनाब में लगता, वो जो चेहरा था एक किताबी सा, दिल कहां से किताब में लगता। फेल हर इम्तिहान में होते थे, वक्त उसकी जनाब में लगता, वो जो चेहरा था एक किताबी सा, दिल कहां से किताब में लगता। एक गजल के चंचे देखिएगा के मतला है, अक्से ख्याल यार संवारा करेंगे हम, अक्से ख्याल यार संवारा करेंगे हम, शीशे में आईने को उतारा करेंगे हम, शीशे में आईने को उतारा करेंगे हम, और सहरा में एतमाद के गुमसुम समा आते हैं, सहरा में एतमाद के गुमसुम समा आते हैं, कुछ लोग कह रहे थे पुकारा करेंगे हम, कुछ लोग कह रहे थे पुकारा करेंगे हम, और अब हो सलूक जो भी जुबां दे चुके हैं हम, निजामत के बारे में, अब हो सलूक जो भी जुबां दे चुके हैं हम, हर बात खामोशी से गवारा करेंगे हम, और गर्दन कटी है हाथ भी शानों से कट गए, गर्दन कटी है हाथ भी शानों से कट गए, कातिल की सिमत कैसे इशारा करेंगे हम, गर्दन कटी है हाथ भी शानों से कट गए, कातिल की सिमत कैसे इशारा करेंगे हम, और मेरे खिलाफ वो भी समंदर से मिल गए, मेरे खिलाफ वो भी समंदर से मिल गए, दरिया तो कह रहे थे किनारा करेंगे हम, मेरे खिलाफ वो भी समंदर से मिल गए, दरिया तो कह रहे थे किनारा करेंगे हम, और चादर से जब न छुप सका सुकड़ा हुआ बदन, चादर से जब न छुप सका सुकड़ा हुआ बदन, खुलकर अब अपने पांव पसारा करेंगे हम, और मतलब है कि अख्तर हो जब सितारे सभी आसमान पर, अख्तर हो जब सितारे सभी आसमान पर, फिर क्यों किसी जमीन पे गुजारा करेंगे हम, अक्से ख्याल यार समारा करेंगे हम, शीशे में आईने को उतारा करेंगे हम। एक गजल थोड़ा सा दो चार शेर और देखेंगे, हमने तो बैन में नौहे में सदाकारी की, हमने तो बैन में नौहे में सदाकारी की, आज दफना दी है मैयत भी रवादारी की, आज दफना दी है मैयत भी रवादारी की, और हमसे बदतर कोई फनकार जहां में होगा, हमसे बदतर कोई फनकार जहां में होगा, हम अदाकारियां करते हैं अदाकारी की, हम
हमसे बदतर कोई फनकार जहां में होगा। हम अदाकारियां करते हैं अदाकारी की, और हमने गैरत का बगावत का अलापा दीपक, हमने गैरत का बगावत का अलापा दीपक। तान ऊंची है मगर आज भी दरबारी की, तान ऊंची है मगर आज भी दरबारी की, और हम उनको साये से भी शाहों के बचा कर रखना, हमको साये से भी शाहों के बचा कर रखना। हम पे आ जाए ना तोहमत भी तरफदारी की, जिनसे उठती थी स्याह आग की लपटें हरदम, जिनसे उठती थी स्याह आग की लपटें हरदम। हमने ऐसी भी जमीनों में शजरकारी की, हमने ऐसी भी जमीनों में शजरकारी की। और मतलब देखिए काफी शेर है, और ये खालिस गजल का शेर है। थोड़ी सी तवज्जो चाहूंगा कि तुमको सोते में भी कब आंख उठाकर देखा, तुमको सोते में भी कब आंख उठाकर देखा, हमने ख्वाबों में भी आंखों की निगहदारी की। तुमको सोते में भी कब आंख उठाकर देखा, हमने ख्वाबों में भी आंखों की निगहदारी की। ये हमारे मेहमान शायरों में नुसरत मेहंदी साहिबा तशरीफ लाई हैं, इनका ताल्लुक भोपाल से है, इसहाक साहब का ताल्लुक भी भोपाल से है। मैंने एक छोटी सी नज़म लिखी है, अगर आप लोग इजाज़त दें तो मैं इनके खिदमत में पेश करूँगा। भोपाल का एक लैंडमार्क है, दो तालाब वहाँ पे हैं, खासे बड़ा तालाब छोटा तालाब मोतिया तालाब, तो हमने अपने पेरेंट्स से इनके मुतालिक सुना हुआ था। तो एक छोटी सी नज़म है, दो तीन बंद है बस, इसको माने भोपाल के तालाब। इनमें डूबे है जो सूरज तो उभर जाता है, चांद पानी में उतरता है तो इतराता है, ये पुकारें तो समंदर भी चला आता है, अपना चेहरा इसी पानी में नजर आता है। वादे जमजम जो मुकद्दस से यही पानी है, मुझको तालाबों से नस्बत है रूहानी है। चांद तारों की तो परियों की कहानी इनमें, मेरे पुरखों की बुजुर्गों की निशानी इनमें, उसमें फितरत भी है फितरत की जवानी इनमें, कौन कहता है कि बस पानी है पानी इनमें। इनके पानी में जवाहर की अरब रेजी है, इनकी जो मौज उछलती है वो जरफेजी है। और हमने बचपन में सुनी थी जो पुरानी बातें, आज भी याद हैं अब्बा की जबानी बातें, वो थी भोपाल की तारीख बयानी बातें, मीठी मीठी सी कहावत की कहानी बातें। यही दो ताल हैं दुनिया में तलैया सारी, रानी थी कमलापति बाकी गधियां सारी। एक कहावत है वहां कही जाती है, देखिए आजकल मुशायरों की निजामत के दौरान एक अजीब ट्रेंड चल गया है कि लोग लतीफे सुनाते हैं, और लतीफे भी वो जो अगर वो शरीफ सुनाए तो ज़्यादा बेहतर लगे। लेकिन हालांकि अगर हमने मतलब नाज़िम को महसूस करना है आपको करना है, तो हमारे उर्दू अदब में इसकी कोई कमी नहीं है इस तरह के वाक़यात की, और लोगों के मतलब जो शायर शोरा हज़रात ने जुमलेबाजी की है वो बहुत मतलब अदब के लिहाज से भी और मिजाज़ के लिहाज से भी बहुत अहम है। मैं आपको एक वाक़या सुनाता हूँ कि नून आरवी साहब, सबको बहुत अच्छी तरह जानते हैं, हिंदुस्तान के बहुत बड़ा नाम शायर है, मुशायरे में उन्होंने गज़ल पढ़ी। तो एक नौजवान शायर बहुत देर तक झूमता रहा, किसी ने उसको बोला कि भाई आपका ज़ौक की क्या बात है, आप इतना ज़्यादा मतलब इस गज़ल पे, कहने लगा मेरे ज़ौक को छोड़िए, देखिए नार्वे का बादशिंदा और इतनी अच्छी उर्दू। तो अपने बाद में जिस शायर को बुलाने जा रहा हूँ, इनका ताल्लुक भी मेरी तरह इंजीनियरिंग के शोबे से है, कि ऑटोमेटिक में काम करते हैं, 7 साल से कैंटन मिशिगन में रह रहे हैं, मैं इन्हें पहले से जानता हूँ, विंडसर में इनके साथ हमने मुशायरे भी पढ़े हैं। इनके दो शेर देखिए कि तुम्हें किन आसमानों का सितारा चाहिए था, हमें बस एक आंखों का इशारा चाहिए था, तुम्हारे अश्क आखिर आरज़ों पर क्यों चले आए, गमे हस्ती को खूने दिल हमारा चाहिए था। जनाब मोहसिन कामरान साहब, देखिए मेरे वक्त करने के लिए कोई बात नहीं, लेकिन बहुत
असर होता तो तुम मेरे न हो जाते। दुआओं में असर होता तो तुम मेरे न हो जाते। मुकद्दर चार अगर होता तो तुम मेरे न हो जाते। दुआओं में असर होता तो तुम मेरे न हो जाते। मुकद्दर चार अगर होता तो तुम मेरे न हो जाते। तुम्हें आगोश में लेकर तुम्हें अपना समझ लेता। तुम्हें आगोश में लेकर तुम्हें अपना समझ लेता। मैं खाके राह गुजर होता तो तुम मेरे न हो जाते। मोहब्बत की भरी बरसात थी और मैं गुरेजा था। मोहब्बत की भरी बरसात थी और मैं गुरेजा था। अगर मैं तरबतर होता तो तुम मेरे ना हो जाते। और अगले शेर अर्ज किया है, कोई बीते हुए लम्हों को वापस ला नहीं सकता। कोई बीते हुए लम्हों को वापस ला नहीं सकता। कोई ऐसा हुनर होता तो तुम मेरे ना हो जाते। कोई बीते हुए लम्हों को वापस ला नहीं सकता। कोई ऐसा हुनर होता तो तुम मेरे ना हो जाते। और आखिरी शेर अर्ज किया है कि महज एक वाहिमा था बस, ना जिंदा था ना जंजीरे। महज एक वाहिमा था बस, ना जिंदा था ना जंजीरे। मैं थोड़ा सा नडर होता तो तुम मेरे ना हो जाते। एक और गजल पेश खिदमत है। रोशनी के साये में तीरगी भी चलती है। रोशनी के साये में तीरगी भी चलती है। दोस्ती के पर्दे में दुश्मनी भी चलती है। हम नहीं समझ पाए शहर की सियासत को। हम नहीं समझ पाए शहर की सियासत को। भेस है फकीरों का ख्वाजगी भी चलती है। भेस है फकीरों का ख्वाजगी भी चलती है। इस अहद के मूसा को अब खुदा ही समझाए। इस अहद के मूसा को अब खुदा ही समझाए। हाथ में असा भी है साहरी भी चलती है। हाथ में असा भी है साहरी भी चलती है। अपनी महलकाओं से दोस्ती पुरानी है। अपनी महलकाओं से दोस्ती पुरानी है। दिल लगी तो रहती है बेरुखी भी चलती है। दिल लगी तो रहती है बेरुखी भी चलती है। ढंग से नहीं करते जो भी काम करते हैं। ढंग से नहीं करते जो भी काम करते हैं। नौकरी भी चलती है शायरी भी चलती है। कुछ नामुकम्मल गज़लों के चंद अशआर हैं, वो भी आपके खिदमत में पेश करता हूँ। किस्सा हवा के कान में कह दिया सारी रात का। किस्सा हवा के कान में कह दिया सारी रात का। कोई गवाह तो रहे कत्ल की वारदात का। कोई गवाह तो रहे कत्ल की वारदात का। शहर के सारे बीरबल लटके हुए हैं सर के बल। शहर के सारे बीरबल लटके हुए हैं सर के बल। उलझा पड़ा है बीच में मामला जातियात का। उलझा पड़ा है बीच में मामला जातियात का। और एक और अगर के चंद अशआर पेश करता हूं। हर किसी का एक खुदा होता तो है। हर किसी का एक खुदा होता तो है। जंगलों में रास्ता होता तो है। जंगलों में रास्ता होता तो है।
मिल ही जाती है कहीं से रोशनी, मिल ही जाती है कहीं से रोशनी, कोई छोटा सा दिया होता तो है। और आप चाहें तो निगाहें फेर लें, आप चाहें तो निगाहें फेर लें, हर कदम पर आईना होता तो है, हर कदम पर आईना होता तो है। आप चाहें तो निगाहें फेर लें, हर कदम पर आईना होता तो है। दुश्मनों की भीड़ में एक शख्स पर, दुश्मनों की भीड़ में एक शख्स पर कुछ तुम्हारा शायबा होता तो है, कुछ तुम्हारा शायबा होता तो है। और आखिरी शेर है कि इश्क के हर वाकये से मुंतलिक, इश्क के हर वाकये से मुंतलिक दर्द का एक सिलसिला होता है। हर कदम पर आईना होता तो है, ये थे जनाब मोहसिन कामरान साहब। देखिए शेर व अदब में हमारी ख्वातीन का जो हिस्सा है वो किसी से ढका छुपा नहीं है, बहुत ज़्यादा। मैंने कहा कि शेर व अदब में हाँ कुछ ऐसे ही लग रहा है शायद, फिर मैं थोड़ा लाउड हो जाता हूँ। शेर व अदब के इस खजाने में हमारी ख्वातीन का जो हिस्सा है, मैंने कहा वो किसी से ढका छुपा नहीं है, और बाद अवकात ये बड़े दबंग लहजे में बात करती हैं। ये चार शेर मुझे पता तो नहीं किस खातून के, लेकिन यकीन है कि ये हैं किसी खातून के। काटे हैं जिसके हाथ वो मेमार वक्त था, जिसकी जुबा नहीं वो बला का खतीब था, दफना दिया गया मुझे चांदी की कब्र में, चाहा था मैंने जिसको वो लड़का गरीब था। अगर अमेरिका में कहे जाते तो शायद मक्के भी हो सकते थे, लेकिन तो अब मैं जिस शायर को दावत सुखन दे रहा हूँ, इनसे आप सब बखूबी वाकिफ है, अपने अशार के अछूतेपन के साथ साथ इनके किताबों के जो नाम है वो अपने खासे यूनिक से होते हैं ना। इनकी दो किताबें शाया हो चुकी हैं, तेरे नाम की आहट और गीली चौक, आप लोग खूब अच्छी तरह वाकिफ हैं। मैं दावत कलाम दूंगा जनाब मोहतरमा नाहिद विर्क साहब, तशरीफ लाएं। पुराना दोस्त का दस्तक नहीं थी, पुराना दोस्त का दस्तक नहीं थी, मेरी कहीं पर खुशबू लगी थी। पुराना दोस्त था दस्तक नहीं थी, मेरी कहीं पर खुशबू लगी थी, और कोई तो बात उसकी मान लेती, कोई तो बात उसकी मान लेती, मोहब्बत कोई तो बात उसकी मान लेती, मोहब्बत उम्र में मुझसे बड़ी थी, और मेरी आंखों पे तेरा हाथ था, और मेरी आंखों पे तेरा हाथ था, और हथेली पर समंदर थी, मेरी आंखों पे तेरा हाथ था, और शुक्रिया हथेली पर समंदर की नमी थी, और फकत काफूर की खुशबू थी हर सू, फकत काफूर की खुशबू थी हर सू, मैं पहुंचा मोहब्बत मर चुकी, फकत काफूर की खुशबू थी हर सू, मैं पहुंची मोहब्बत मर चुकी थी, और कोई तो बात उसकी मान लेती, मोहब्बत में मुझसे बड़ी थी, और पहले तो उसने खुद में किया मुबतला मुझे, पहले तो उसने खुद में किया मुबतला मुझे, मुझसे ही रफ्ता रफ्ता किया फिर जुदा मुझे। शुक्रिया, खुद को भी पता चल रहा है कि आवाज़ आ रही है। पहले तो उसने खुद में किया मुबतला मुझे, मुझसे ही रफ्ता रफ्ता किया फिर जुदा मुझे, और जब तक अना थी मुझ में मोहब्बत नहीं हुई, जब तक अना थी मुझ में मोहब्बत नहीं हुई, खुद को फना किया तो मिला रास्ता मुझे। शुक्रिया, खुद को फना किया तो मिला रास्ता मुझे,
और आंखों में रख रखाव तो पहले सा था मगर आंखों में रख रखाव तो पहले सा था मगर लहजे की सिलवटों से लगा दूसरा मुझे लहजे की सिलवटों से लगा दूसरा मुझे और खुद को गुलाम कर ही लिया है अगर तो फिर खुद को गुलाम कर ही लिया है अगर तो फिर ऐ शहजादे मसनद दिल पर बिठा मुझे खुद को गुलाम कर ही लिया है अगर तो फिर ऐ शहजादे मसनद दिल पर बिठा मुझे और जब तक अना थी मुझ में मोहब्बत नहीं हुई खुद को फना किया तो मिला रास्ता मुझे मेरी आंखों पे तेरा हाथ था और हथेली पर समंदर की नमी थी ये थी जनाब मुकदमा नाहिद बेग साहब देखिए वो एक दफा मैं कोटेशन पढ़ रहा था उसमें लिखा बीवी कैसी होनी चाहिए तो उसमें एक कोट ये भी था कि इतनी संजीदा भी ना हो कि मुहर्रम की पैदाइश का गुमान हो इतनी मजाहिया भी ना हो कि बात बेबात लतीफे सुनाए तो आप लोग भी मॉडरेट रहे मतलब ये 40वीं की महफिल नहीं है शहर की तरह में देखें इसी हवाले से मुझे एक और वाक्य याद आया मैं आपको बताऊँ कि जोश साहब एक दफ़ा महफिल में बैठे हुए थे और अपनी महबूबाओं का जिक्र करते करते आप दीदा हो गए अचानक उनकी अहलिया भी कमरे में दाखिल हुई और एकदम पूछा अरे आप क्यों रो रहे हैं क्या हो गया तो जोश साहब ने होश से काम लेते हुए जवाब दिया कि मैं कुछ नहीं बस अरे अम्मा याद आ गई थी अब मैं जिस शख्सियत को दावत सुखन दे रहा हूँ उसे भी आप बहुत अच्छी तरह वाकिफ हैं पेशे के सबसे डर्मेटोलॉजिस्ट हैं हमारे मुशायरों की निज़ामत भी करते रहे हैं वसी मुताला है अपनी गुफ्तगू से भी हमको महसूस करते रहे हैं मैं उनको इस शेर के साथ दावत देता हूँ कि मैं तेरा नाम ना लूँ फिर भी लोग पहचाने तुझे कि आप अपना तारुफ हवा बहार की है जनाब लताफत हमजली साहब ख़वातीन हज़रात कब इसके कि मैं शुरू करूँ एडमिट एट द माइक्रोफोन आप तक मेरी आवाज़ आ रही है अगर नहीं आ रही है तो आप खुश नसीब हैं ख़वातीन हज़रात निज़ामत के फ़राइज उसने खूबी से अदा करते हुए जुनेद को शिकायत ये रही कि आप लोग जैसे मुशायरे को सुन रहे हैं और पढ़ नहीं रहे हैं कोशिश ये करें कि शायर का साथ भी दें अगर कोई शेर अच्छा हो तो उस पर दाद भी दें बेदाद मत दीजिए अगर दाद के लायक हैं तो ज़रूर दाद दीजिए हम लोग वो मुकामी शुरा हैं मगर इसका ये मतलब नहीं है कि घर की रोटी दाल पर हमको भी हक है कि कुछ आपसे सुने और कुछ अपनी कहें क्या क्या गुरु आपने इंटरव्यू जो किया था तो उस वक्त मेरे तरफ आया कि बेचारे कोशिश कर रहे हैं मगर लोग जो है सुन के देते हैं तो एक ताज़ा गज़ल से मैं आगाज़ करता हूँ कई कुछ अरसे से कोई आवर्जी नहीं हुई और कोई इशार भी नहीं हो रहे थे तो मसरत मुख्तर साहब से मुलाकात हुई थी तो उन्हें कहा था बहुत दिन हो गए कुछ ना कुछ तो कहिए तो उन्हीं की नज़र है ये गज़ल कि एहसान किसी का भी उठाया नहीं हमने एहसान किसी का भी उठाया नहीं हमने मुश्किल में मसीहा को बुलाया नहीं मुश्किल में मसीहा को बुलाया नहीं हमने सीने में जो जख्म है सीने में है जो जख्म अमानत है तुम्हारी सीने में है जो जख्म अमानत है तेरा तुम्हारी ये जख्म सरे बज़्म दिखाया है ये जख्म सरे बज़्म दिखाया नहीं हमने किस किस से करे तर के ताल्लुक की वो बातें किस किस से करें तर के ताल्लुक की वो बातें जो बीत गई हम पे
वो बताया नहीं हमने, जो बीत गई हम पे बताया नहीं हमने, इस राख के अंबार में चिंगारे भी दबे हैं, इस राख के अंबार में चिंगारे भी दबे हैं, इथाम न देना कि बताया नहीं हमने, इथाम न देना कि बताया नहीं हमने, हमने तो कभी इस दिल में अदावत नहीं रखी, हमने तो कभी दिल में अदावत नहीं रखी, दुश्मन तो है पर दिल को दिखाया नहीं हमने, दुश्मन तो है पर दिल को दिखाया नहीं हमने, लुत्फी पे भी इल्ज़ाम बहुत आए थे लेकिन, लुत्फी पे भी इल्ज़ाम बहुत आए थे लेकिन, सच बात कही हक को छुपाया नहीं हमने। सीधा सीधा अशार पढ़ लेता हूँ मैं, ये क्योंकि मौजूद शोरा जो आए हुए हैं इनको सुनिए, थोड़ी देर पहले मैंने कहा था कि मुझे तो आप सुनते रहें और इंशाल्लाह सुनते भी रहेंगे, मगर ये इनका हक है और मैं उनसे हक छीनना नहीं चाहता। जो ये गज़ल थी नासिक आदमी की बहर के अंदर, कि तोहफा समझ के साथ कुछ सामान भी बेच रहे, तोहफा समझ के साथ कुछ सामान ही ले चलें, एक मुश्त खाक पूछाए जाना ही ले चलें, एक कुछ है मुश्त खाक पूछाए जाना ही ले चलें, राह सफ़र में मिलते गए गुल भी खार भी, राह सफ़र में मिलते गए गुल भी खार भी, फूलों के साथ खारे भी आबाँ ही ले चलें, फूलों के साथ खारे भी आबाँ ही ले चलें, बदमे ये से सुनिए, बदमे जहाँ की सैर बहुत कर चुके हैं हम, बदमे जहाँ की सैर बहुत कर चुके हैं हम, आखिरत के काम का सामा ही ले चले, बदमे जहाँ की सैर बहुत कर चुके हैं हम, आखिरत के काम का सामा ही ले चलें, सब कुछ लुटा चुके सरे बाजार देख लो, सब कुछ लुटा चुके सरे बाजार देख लो, लोहो कलम मताए दिलो जा ही ले चले, लोहो कलम मताए दिलो जा ही ले चले, घर में चिराग वो नहीं तो रोशनी तो हो, घर में चिराग वो नहीं तो रोशनी तो हो, दिल में ख्याल शहर निगारा ही ले चले, दिल में ख्याल शहर निगारा ही ले चले। ये मेरी पुरानी गज़ल के दो तीन शेर हैं। होते थे काम पहले जो शब की तीरगी में, होते थे काम पहले जो शब की तीरगी में, वो काम हो रहे हैं अब दिन की रोशनी में, वो काम हो रहे हैं अब दिन की रोशनी में, खुशियों की चंद घड़ियां, खुशियों की चंद घड़ियां शायद नसीब होती, खुशियों की चंद घड़ियां शायद नसीब होती, तुम एक दिन तो आते दो दिन की जिंदगी, खतरे में समंदर का तसव्वुर नहीं रखा, खतरे में समंदर का तसव्वुर नहीं रखा, जिस आँख ने अपने को मुनव्वर नहीं रखा, इल्ज़ाम पे इल्ज़ाम लगाती रही दुनिया, इल्ज़ाम पे इल्ज़ाम लगाती रही दुनिया, और हमने भी कभी सर को झुकाकर नहीं रखा, हमने भी कभी सर को झुकाकर नहीं रखा, जालिम ने शिकंजे में जकड़ तो दिया तन को, जालिम ने शिकंजे में जकड़ तो दिया तन को, हिम्मत को मगर मेरी दबा कर नहीं रखा, मालूम नहीं कोई मुसाफिर हो भटकता, मालूम नहीं कोई मुसाफिर हो भटकता, चौखट पे चिरागों को बुझा कर नहीं रखा, मालूम नहीं कोई मुसाफिर हो भटकता, चौखट पे चिरागों को बुझा कर नहीं रखा, और लुत्फी ने कभी दिल में अदावत नहीं रखी, लुत्फी ने कभी दिल में अदावत नहीं रखी, दुश्मन को भी नजरों से गिरा कर नहीं रखा। लगा क्यों नहीं
मैंने भी इत्तेफाक से यही शेयर नोट किया था इनका कि एहसान किसी का भी उठाया नहीं हमने, मुश्किल में मसीहा को बुलाया नहीं हमने। देखिए मिजाज निगारी बिलाशुबा तलवार की धार पे चलने का नाम है, और अगर मिजाज निगार इस धार पे ना चल सके तो ये तलवार अपनी पूरी धार के साथ खुद उस पर चल जाती है। तो बड़ा नाजुक काम है। और देखिए तंस के लिए ये किस तरह किया जाता है, मैं यूसुफी साहब ने एक जगह लिखा है कि दाग दहलवी नई गजल लिखने के साथ के बाद फौरन ही रोशनाई खुश होने से पहले पहले उसे तवायफ के हवाले कर देते हैं, इस तरह वो गजल कोठों चढ़ जाती और जीना बजीना सीना बसीना हसीना बसीना होती हुई दिल्ली के गले गली कूचों में फैल जाती। कहने लगे उस जमाने में जो काम तवायफ करती थी आजकल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कर रहा है। और मैं जिस शहर को दावत दूंगा हमारे शहर के जाने माने मिजा निगार और संजीदा कलाम भी उतना ही खूब कहते हैं जितना मजाया कलाम। बहुत इज्जत और एहतराम के साथ जनाब मकसद इलाहाबादी साहब। सर ने मुझसे कहा था कि आप संजीदा सुनाइएगा। आपके सुने तो ये गजल सुना के भाग नहीं। लेकिन मेरा ये लोकल होने का फायदा तो कुछ ना कुछ होते ही है। आपको मैं हमजवी साहब के ऊपर ही सुनाया देता हूँ, हमारे हमको ये मुखातिब करके कुछ सुना गए हैं। तो ये दरअसल एक वाकयाती किस्म की नज्म है, इसका उन्वान मैंने डर्मेटोलॉजिस्ट रख दिया है। इसमें ये अब्बास काबी साहब कुछ साल पहले आए थे यहाँ, तो इनके यहाँ बड़ा अच्छा एक कुतुबखाना बनाया हुआ है हमजवी साहब ने, तो उसमें काफ़ी अच्छी अच्छी किताबें हैं। तो ये हुआ भाई, सब लोगों ने तय किया कि कुतुबखाना देखा जाए, तो हम सब लोग गए। तो अब्बास काबी साहब ने कहीं इनसे जिक्र कर दिया कि यहाँ गर्दन में थोड़े से कुछ दाने हैं, अगर इनको खुजाएं तो कोई नुकसान तो नहीं। कुछ में रहेगी तो घर बैठे आ गया। मतलब तो ये उसी पस मंजर में है। ये स्कीम मेहमान शौरा की थी कि देखें कुतुब खाने हमजवी। कहा मुझसे सबने चलें आप भी, बज़ाहिर कुछ इसमें कबाहत न थी। सो पहुंचे वहां हम ये चारों बहम, जमील और काबिश फराज और हम। वहां पहले कुछ चाय पानी हुआ, फिर उनका कुतुबखाना देखा गया। वहाँ से हम उठकर जब आने लगे तो ताबिश ही उनसे बताने लगे कि गर्दन में उनके हैं दाने से कुछ, है नुकसान उनके खुजाने से कुछ। ये सुनते ही मुंह पर निखार आ गया कि घर बैठे कैसा शिकार है। कहा हमजवी ने मेरे साथ में, अभी दूर करता हूँ सारी बलाएं। मैंने जाने अचानक मुझे क्या हुआ कि हमसे मुखातिब हुए और कहा उठे आप सब भी चले मेरे साथ, तिलों और मुहासों से पाले नजात। गरज ले गए हमको अपने मतब, उतरवाए कपड़े तो घबराए सब। तभी नर्स आई एक आहट के साथ, बनावट बदा मुस्कुराहट के साथ। तभी नर्स आई एक आहट के साथ, बनावट ज़्यादा मुस्कुराहट के साथ। अभी ठीक से खुश हुए थे न हम,
कि नाजिल हुए हम सभी मोहतरम अभी ठीक से खुश हुए थे न हम नाजिल हुए हम सभी मोहतरम ये हाथ में आलाए धार धार किया आके पहले तवाफे शिकार भिगोए गए सब मुहासे होते धड़कने लगे हम गरीबों के दिल चलाया जो लेजर तो आई चिरान लगी खाल जलने तो फैली विसान गरज उनके रहमो करम के तले बहुत देर तक जलते घूमते रहे जलाए गए जब ये हैदराबाद के हैं जबान का क्या रखें जलाए गए जब कबामा सिपार तब इन दाग धब्बों से पाई नजार हसीनों में होने लगा कुछ शुमार मगर हुस्न अपना है सब मुस्तार हकीकी न हुस्ने मजाजी है ये नए दौर की जालसाजी है ये बहुत शुक्रिया हम सभी आपका जवाबा नहीं वाकई आप लोग मुझे संगीता को सुनाने नहीं देंगे जाइए सुना दें चलिए अच्छा आपको संगीता एक सुनाई देता हूँ हमारे हमदोई साहब की फरमाइश में इनकी बात तो टाल ही नहीं पाऊंगा मुनीर साहब ये आप सुन चुके हैं लेकिन लोगों को फरमाइश है तो मैं ये गजल सुनाई देता हूँ आजाद की तवज्जो कि बहुत दिनों बाद मैंने तुमको जो खत लिखा है वो शायरी है बहुत दिनों बाद मैंने तुमको जो खत लिखा है वो शायरी है जो आंसुओं से कहीं कहीं कुछ मिटा मिटा है वो शायरी बहुत दिनों बाद मैंने तुमको जो खत लिखा है वो शायरी है जो आंसुओं से कहीं कहीं कुछ मिटा मिटा है वो शायरी है निगाह में बरगोबार हैं सब रदीफ और काफियों की सूरत निगाह में बरगोबार हैं सब रदीफ और काफियों की सूरत गरीब दहकां जो खेत में बीज बो रहा है दरख्त फलदार उसके आंगन में इतनी तेजी से बढ़ रहे हैं दरख्त फलदार उसके आंगन में ये उनको ज़्यादा एहसास होता है जैसे इंडिया पाकिस्तान में जो मिडिल क्लास या उससे कम दर्जे के लोग होते हैं जिनके चार पांच बच्चियां हो जाती हैं जवान तो दरख्त फलदार उनके आंगन में कितनी तेज़ी से बढ़ रहे हैं जो बाप वहशत से उन दरख्तों को देखता है वो शायरी है वो चांद है भी दरख्त फलदार उसके आंगन में कितनी तेजी से बढ़ रहे हैं जो बाप वहशत से उन दरख्तों को देखता है वो शायरी है वो चांद है भी तो चांद है बस तमाम बंजर तमाम नीरस वो चांद है भी तो चांद है बस तमाम बंजर तमाम नीरस जो बच्चा रोटी समझ के उसको मचल रहा है वो शायरी है वो चांद है भी तो चांद है बस तमाम बंजर तमाम नीरस जो बच्चा रोटी समझ के उसको मचल रहा है वो शायरी है तुम्हारी आंखों से बहता आया था जाने कब से तुम्हारा आंसू तुम्हारी आंखों से बहता आया था जाने कब से तुम्हारा आंसू जो मेरी आंखों से बह चला है वो शायरी है और बहुत सी मोहब्बतों का अंजाम में रोशन होता है ये इसके ऊपर शेर है सुहागिनों की तो गोद भरती ही आई है।